रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ई गुरुजी में। आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है व्हाट्सएप के संदर्भ में, जहाँ पे व्हाट्सएप में अब ग्रुप वीडियो कॉलिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं यूज। जी हाँ दोस्तों, ये आज ही से शुरुआत हुई है, तो 31 जुलाई 2018 से अगर हम कहें ये शुरुआत हो चुकी है और ये मैंने खुद टेस्ट करके भी देखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर हुई ग्रुप वीडियो कॉलिंग की शुरुआत, ऐसे कर सकते हैं यूज़। इंस्टेंट मैसेंजर व्हाट्सएप पर फर्जी खबरें वायरल होने की वजह से ये विवादों में है। इसी बीच कंपनी ग्रुप वीडियो कॉलिंग का नया फीचर लेकर के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में पहले ऑडियो कॉलिंग की शुरुआत हुई, बाद में वीडियो कॉलिंग आया और अब ग्रुप वीडियो कॉलिंग की शुरुआत हो चुकी है। डेवलपर कॉन्फ्रेंस एफेट में कंपनी ने इसका ऐलान भी किया था। ग्रुप कॉलिंग वीडियो के लिए ही नहीं बल्कि ऑडियो के लिए भी है। व्हाट्सएप के मुताबिक वीडियो कॉलिंग का ये फीचर लाइव कर दिया गया है और दोस्तों आज ही मैंने एक ग्रुप कॉल करके जिसको चेक भी किया है और ये बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस करी थी कि इसमें 3 से ज़्यादा लोग को कॉल नहीं ऐड कर पा रहे। मे भी बाद में और ज़्यादा लोग को ऐड कर सकते होंगे। आज से ये दुनिया भर के iOS यूज़र्स और एंड्रॉयड यूज़र्स को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग में 4 यूज़र्स के साथ वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही मैंने अभी आपको बताया। ग्रुप वीडियो कॉलिंग का नया नहीं है, कई ऐप्स ऐसे हैं जो ये सुविधा देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत ही ना पड़े। कंपनी ने कहा है कि वीडियो कॉल एंड एनक्रिप्टेड होगा, जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, मतलब ये इनक्रिप्टेड कॉलिंग रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ रहेगी, तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉलिंग की शुरुआत करने के लिए यूज़र को सबसे पहले एक को कॉल लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक वीडियो कॉल लगाना होगा, उसके बाद आप 2 लोगों को ऐड कर सकते हैं। इस फीचर के बाद वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्काइप को टक्कर मिलने की उम्मीद है। व्हाट्सएप का यूज़र बेस बहुत बड़ा है और दुनिया भर में इसका 1.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा यूज़र्स है इसके। गौरतलब है कि फेसबुक की ही कंपनी इंस्टाग्राम ने वीडियो कॉलिंग का फीचर हाल ही में दिया है। कुल मिलाकर फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन सभी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर अब वीडियो कॉलिंग की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं है तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर आप इसे तुरंत अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो लेटेस्ट अपडेट है आप तुरंत अभी ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही कारगर है और इसमें ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इसी तरह की और अब लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए आपको हमेशा सबसे पहले न्यूज़ जानने के लिए। थैंक यू सो मच। रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में।